एस्पायर श्री कानपुर, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपके सिलेक्शंस भी हुए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी था और दिखाया भी था। ठीक है, सारी चीजें पहले प्रीडिफाइन थी, कुछ भी नया नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोगों के लिए नया होगा बट ये मेरे लिए नया नहीं है। ये एक नई चीज है कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी रैंकें गेन की, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि जो लोग टेस्ट सीरीज में टॉप कर रहे हैं वो उनके रिजल्ट आने फिक्स है। ठीक है, क्यों आने फिक्स है? क्योंकि इसकी एक वजह भी हमने आपको बताई थी कि इसकी वजह यह है कि हमारी टेस्ट सीरीज लगभग इंडिया के सभी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और वो सभी कॉम्पीट करते हैं आपस में, सभी आपस में लड़ते हैं वहां पर कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमारी इतनी रैंक होनी चाहिए या हमारी इतनी रैंक होनी चाहिए। ओके, तो ये बात हमने आपको बताई थी। तो वो चाहे साहिल गोयल हो, फर्स्ट रैंक उनकी आती थी हमारे टेस्ट सीरीज में तो उनकी 31 रैंक आई है निमसेट में, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, उसके बाद आतिफ सैफ जी आते थे तो आतिफ सैफ जी की भी रैंक जो है वो 94 रैंक आई हुई है। ठीक है, फिर इसका जो पिछला हमने टेस्ट लिया था उसमें मोहित पांडे जी थे, उनकी पहली रैंक आई थी टेस्ट सीरीज में तो उनकी ऑल इंडिया 102 रैंक आई है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग हमारे टेस्ट सीरीज में टॉप करते थे उनका रिजल्ट अच्छा रहता है। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमने आपको पहले भी बताया था और टेस्ट होने के पहले बताते थे कि अगर यहां पर आप टॉप 10 में आते हैं तो आपकी 100 में रैंक जरूर आनी श्योर है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो पेपर का है वो कुछ हम ऐसा सेट करते हैं कि आपका एग्जाम से मिलता जुलता है। ठीक है, जब भी आप देने जाते हैं तो आपको लगता है ये तो शिवम सर वाला पेपर दे रहे हैं, इससे कुछ बाहर है ही नहीं। ओके, तो आपका एक तरीका जो भी है तो आप और इम्प्रूव करें। जो आने वाले इस साल के स्टूडेंट हैं जो 2019 के लिए हैं उनके लिए अभी से हमारी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से मेहनत करें और बहुत अच्छी मेहनत करें। आप अच्छे अच्छे ऊंचाइयों को छुए, सफलता को छुए, लेकिन उसके साथ में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है डेडिकेशन। ओके, आप डेडिकेशन से पढ़ाई करें, आप हमारे सेंटर पे करें चाहे हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके करें, लेकिन पढ़ाई आपकी डेडिकेशन से करनी चाहिए। मतलब आपको एक होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है और हर हाल में लेना है। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे रिजल्ट की, जो कि हमारा रिजल्ट रहा। आगे जो हम लोग बात करते हैं वो बात है काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, कि आपको निमसेट की काउंसलिंग कैसे करानी है, क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे होगी, तो वो सारी चीजें जो है हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे जैसे ही आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, और उसमें हम सारी बातें आपको बताएंगे कि कैसे काउंसलिंग करानी है, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं जरूरत है, क्या आपका सीक्वेंस होना चाहिए चॉइस फिलिंग का। ठीक है, कौन सा कॉलेज आपको फिल करना चाहिए, तो ये सारी बातें हम वहां पर करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एस्पायर स्टडी आपके साथ में, कदम कदम पे आपके साथ में है और सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। ओके, आगे जो हम लोग बात करते हैं, जो जो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है या उनकी ज्यादा रैंक आई है या किसी कारण बस एग्जाम के टाइम में ऐसा उनके साथ हो गया कि तैयारी अच्छी थी लेकिन अच्छा नहीं कर पाए, तो उनके पास अभी ऑप्शन जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी का खुला हुआ है और डीयू यूनिवर्सिटी का खुला हुआ है। ठीक है, तो डीयू यूनिवर्सिटी की तो लास्ट डेट खत्म हो चुकी है लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट जो है वो अभी है। ठीक है, 13 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 15 तारीख है फॉर्म भेजने की। ठीक है, तो आप उसका भी फॉर्म भर दीजिए। तो ये दोनों एग्जाम जो है आपके पास है, मतलब अभी आपके पास एमसीए 2018 के लिए चांस खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी चांसेज हैं, दो चांसेज हैं और आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बात रही डीयू की और पुणे की। ओके, अब हम आपको डीयू का बताते हैं कि पैटर्न क्या है। डीयू में आपके 30 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से आते हैं, बाकी आपके कंप्यूटर से, इंग्लिश से और रीजनिंग से आते हैं। ठीक है, तो मेनली वहां पे जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स है, उसके बाद में आपका कंप्यूटर है, फिर उसके बाद में रीजनिंग और फिर इंग्लिश पे आप पहुंचे। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग सिक्वेंस देखें तो इस टाइप का पैटर्न है। बात करते हैं हम लोग पुणे यूनिवर्सिटी की, तो पुणे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो एक अपने आप में अच्छा सिलेबस है और उसमें कुछ डिफाइन नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है। ठीक है, मतलब टॉपिक नहीं डिफाइन है, सीधे लिखा हुआ है 10+2 मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये और वो। ओके, तो यहां पर चीजें जो है थोड़ी सी आपको समझनी होंगी, क्या आती है क्या नहीं आती है, बट डोंट वरी, हम आपको बताएंगे कि क्या आता है। पिछले साल का पेपर का एनालिसिस है पूरा हमारे पास, हम आपको बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां पे वो लोग घुमाएंगे आपको, कहां पे टर्न करते हैं, कहां पे ट्विस्ट वाले क्वेश्चन देते हैं, कैसी चीजें देते हैं। ओके, तो ये तो सारी चीजें हुई हमारी। अब इसके साथ में जो भाई कमजोर है, जो स्टूडेंट हमारे उतना कैपेबल नहीं है या फिर जो स्टूडेंट है जिनको रिक्वायरमेंट है ज्यादा पढ़ने की, उनके लिए हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स है वो आपका संडे मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा और उसका लिंक जो है आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपके पास 7 दिन है अभी पूरे, हमने उसकी कोई ज्यादा फीस नहीं रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसकी फीस जो है वो आपकी 999 मतलब 999 रुपए है। तो ये आपका 8 दिन का क्रैश कोर्स है, इसमें हम आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़ाएंगे, कंप्यूटर के टॉपिक्स पढ़ाएंगे और
आपको इंग्लिश अपने आप पढ़नी है, रीजनिंग भी। ओके, तो अब इन दो कॉन्सेप्ट से केवल और केवल किससे, कंप्यूटर से और मैथमेटिक्स से आप 50% पेपर कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 50% आप कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे। ओके, तो ये तो हमारी सारी बात रही क्रैश कोर्स की, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें। आपका संडे से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, लिंक आज आपका शाम को भी आ सकता है या फिर कल सुबह आ जाएगा और ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, आप सारे वीडियोज देख लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है और टाइम कम होने के साथ साथ में मेहनत ज्यादा करनी है। ओके, तो ये हो गई बात हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। पुणे यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पे हमारी कोई फीस नहीं है, वहां पे फीस जो है सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है, टेस्ट सीरीज लीजिए, टेस्ट सीरीज की केवल आपको फीस देनी होगी, अदरवाइज कोई फीस आपको नहीं देनी होगी, वो आपका कोर्स फ्री में होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब एक चीज और समझते हैं, जो हम लोग आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज लेसन लेक्चर्स भेजेंगे वो आपको वीडियोज में मिलेंगे, लेकिन जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिससे क्वेश्चन आने हैं या जो क्वेश्चन है वो आपको अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो इसका मतलब हम पहले आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ाने के बाद में आप उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से करेंगे, वो हम आपको बताएंगे कैसे करने हैं। तो आप सारे क्वेश्चन देख लेना और हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बिट्स के लिए बीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए बताया था किस तरीके से तैयारी करें, तो उसमें तैयारी भी की आप लोगों ने और हमारे एक स्टूडेंट यस करके हैं, ठीक है, तो उन्होंने अच्छी रैंक भी अचीव की है और वो सिलेक्शन ले रहे हैं वीआईटी में। उन्होंने बताया कि सर आपकी काफी हेल्प हुई और वहां पर पेपर जो है थोड़ा सा, उन्होंने जब पेपर दे के आए थे तो बताया था सर पेपर जो था थोड़ा सा हार्ड आया था अदर कंपेरिजन में, बट उनका सिलेक्शन हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें और मेहनत करते रहे। जिन लोगों का हो चुका है उन्हें काउंसलिंग लेने की टेंशन नहीं है कि कैसे उनको काउंसलिंग करानी है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं और तैयारी शुरू है। ओके, तो ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात कि हमारे आप कॉल्स कर रहे हैं तो हम दूसरी बात बता दें कि हमारे यहाँ पर एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आपका जो बैचेज है वो आपका 11 से 21 से 28 से टूवर्ड्स ऐसे होता रहेगा स्टार्ट। ठीक है, दूसरी बात हम आपको बता दें कि हमारे पास 50 स्टूडेंट की सीट्स है, मतलब हम केवल और केवल 50 स्टूडेंट का मतलब एडमिशन लेंगे, उससे ज्यादा एडमिशन नहीं लेंगे। ये हमारा इस बार का है, पिछली बार का हमने 30 रखा था टारगेट। ठीक है, 30 में से हमने सारे सिलेक्शन इस बार हो गए, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसका सिलेक्शन ना हुआ, और अब की बार जो टारगेट है वो हम 50 का टारगेट रखते हैं। ओके, तो मतलब 50 स्टूडेंट ही केवल लेंगे, तो आप जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर दें। जितना जल्दी कर लेंगे उतनी अच्छी रैंक आपकी आ जाती है, क्योंकि आप उतनी ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। ओके, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, 50 सीट से ऊपर नहीं है, 50 से ज्यादा एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि जो टारगेट है वो मेरा ये कि जितने पढ़े उतने सिलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, ये टारगेट नहीं है कि 500 बच्चे हों और 500 बच्चों में से हम सिलेक्शन करवाएं 50 का और दिखा दें कि टॉप इतनी रैंक के हमारे पास है। ठीक है, आगे की रैंक के पता नहीं कहां पे क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जितने भी है केवल और केवल उतने स्टूडेंट हम लेंगे इस बार, और उससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेंगे, 50 स्टूडेंट। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करें और तुरंत तुरंत जल्दी ज्वाइन करें। जितने जितने भी एग्जाम आपके सेमेस्टर के चल रहे हो, जल्दी से आपके एग्जाम खत्म हो तो आप टाइम वेस्ट ना करें, घूमने टहलने ना जाएं, एक साल अच्छा सा यूटिलाइज करें, आगे आप एंजॉय करेंगे, बहुत सारा घूमेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। ओके, और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है।